नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल टीवी में। आज है 2 जुलाई और हाजिर हूँ मैं आपके सामने आज की बड़ी खबरों के साथ। शक्तिपीठों में गूंजे जयकारे, भक्तों ने शीश झुकाकर मांगी मन्नतें। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर में बंद पड़ी सभी शक्तिपीठ ज्वालामुखी, माँ चामुंडा और नैना देवी मंदिर के कपाट सहित अन्य धार्मिक स्थल करीब 3 माह बाद श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में सुबह 6 बजे से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की संख्या कम ही नजर आई। श्रद्धालुओं को शक्तिपीठों में जाने और प्रसाद चढ़ाने में छूट दी गई है। धार्मिक स्थलों में हवन, यज्ञ, कन्या पूजन, कीर्तन, लंगर और घंटी बजाने पर प्रतिबंध है। श्रद्धालुओं को मंदिर में बैठना, ज्यादा देर तक खड़े रहने में मनाही है। पुजारियों को प्रसाद बांटने पर भी मनाही है। देश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर बस सेवा शुरू। देश के सबसे लंबे और ऊंचाई वाले दिल्ली लेह रूट पर HRTC बस सेवा शुरू हो गई है। केलांग डिपो की बस में सैलानियों को दिल्ली से लेह तक सफर करने के लिए 1548 रुपए किराया देना होगा। अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद दिल्ली से लेह तक की दूरी 46 किलोमीटर कम होकर 1026 किलोमीटर रह गई है। पहले ये 1072 किलोमीटर थी। कोरोना के चलते यह रूट करीब 1.5 साल तक बंद था। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लेह जाने वाले सैलानियों की संख्या में एकदम इजाफा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मनाली से लेह की तरफ रोजाना औसतन 2500 वाहन जा रहे हैं। ऐसे में HRTC केलांग डिपो ने दिल्ली लेह के बीच बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। धर्मशाला में बना सड़क किनारे कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला पहला सेंटर। हिमाचल का पहला सड़क किनारे कोरोना टेस्ट सुविधा देने वाला सेंटर धर्मशाला में स्थापित किया गया है। गुरुवार को उपयुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने सड़क किनारे लोगों को कोरोना टेस्ट करने की सुविधा देने वाले इस केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोग ही नहीं, यहां आने वाले पर्यटकों और कर्मचारियों सहित सभी लोगों को चलते फिरते ही समय निकालकर COVID-19 टेस्ट कराने की सुविधा मिल पाएगी। धर्मशाला में हुई शुरुआत आने वाले समय में प्रदेश के अन्य स्थानों में भी शुरू होगी। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने धर्मशाला में अपनी तरह के अनोखे सेंटर शुरू कर नई शुरुआत की है। इसका लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। लोग अक्सर अस्पतालों में जाने में कतराते हैं, लेकिन सड़क किनारे वह मिलने वाली इस सुविधा का जरूर लाभ उठाएंगे। केंद्र से सप्लाई कम आने से हिमाचल में कोविड वैक्सीन की कमी। केंद्र से सप्लाई कम आने के कारण हिमाचल में वैक्सीन की कमी चल रही है। इसके चलते सरकार ने 1 सप्ताह तक 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाना बंद की है। अभी स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन के 3 लाख डोज हैं। यह सिर्फ 45 साल से अधिक आयु और विशेष श्रेणी के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में 18 से 44 साल के करीब 9 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को डोज लगने से वैक्सीन में कमी हो गई है। सरकार का मानना है कि युवाओं में वैक्सीन लगाने और मच गई है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए केंद्रों के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश में 21 जून से केंद्र सरकार की ओर से सभी वर्गों के लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। इसी के तहत 18 से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। करीब 806 सेंटरों में वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक हेमराज बेरवा ने कहा कि 1 सप्ताह बाद शेड्यूल बदला जाएगा। अभी 45 साल व इससे ज्यादा अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में LPG हुई महंगी, जानिए नए दाम। हिमाचल में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25.50 रुपए और व्यावसायिक सिलेंडर 82 रुपए महंगा हो गया है। गुरुवार को प्रदेश में रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई। घरेलू सिलेंडर इस माह 931.50 रुपए में मिलेगा। इसमें होम डिलीवरी पर 52.50 रुपए शामिल होंगे। व्यावसायिक सिलेंडर जुलाई में 1705 रुपए में मिलेगा और डिलीवरी चार्ज 59 रुपए शामिल होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को 31 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में लौटा दी जाएगी। हिमाचल के कुल्लू चंबा में झमाझम बारिश। प्रदेश में 4 दिन येलो अलर्ट, 7 जुलाई तक मौसम खराब। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच हिमाचल के कई जिलों में गुरुवार शाम को झमाझम बारिश हुई। कुल्लू और चंबा जिले में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसान बागवानों ने भी राहत की सांस ली है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 7 जुलाई तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि 1 से 5 जुलाई तक मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को राजधानी शिमला में दिन के समय धूप खिलने के साथ साथ हल्के बादल भी छाए रहे। गुरुवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऊना में अधिकतम तापमान 42, बिलासपुर में 37, मंडी में 38, कांगड़ा में 36, चंबा में 35, हमीरपुर में 36, सुंदरनगर में 36, सोलन में 35, धर्मशाला में 32, शिमला में 28,
केलंगा में 22, कुफरी में 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। उधर न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।